वाल्मीकि रामायण में जब प्रॉपर एक रेफरेंस है कि जब ये अयोध्या फिर से लौटे, रावण रावण के वध के बाद ये फिर से जब अयोध्या लौटे, तब वहाँ पे जाके हुए, जब बिफोर उनके राज्याभिषेक होने के पहले उनके केश बहुत बढ़ गए थे, उनकी फेस के ऊपर जो फेशियल हेयर होती है वो बहुत बढ़ गई थी, तो उसको कट करके उसको ये करके उसके बाद उनका राज्याभिषेक किया गया। ये हमने सोच समझ के किया है। तो ओम राउत यहाँ कह रहे हैं कि वाल्मीकि रामायण में कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन जिसको देख के हमने प्रभात का लुक जो है मूछों वाला बियर्ड वाला रखा है। हमने इससे पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं जहाँ पे हमने बताया है कि प्रभात को मूछों के साथ क्यों नहीं दिखाना चाहिए था, लेकिन हम आपको एक बार और रिपीट करके बताते हैं ओम राउत जी कि देखिए आपने फोटो से भगवान श्री कृष्ण को भगवान श्री रामचंद्र को बिना मूछों के साथ ही देखा होगा, तो इसका कारण यह है कि देखिए विप्रधेनु सुरसंत लीन अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुड़गोबाल, अर्थात मैंने श्लोक क्यों बोला इसलिए बोला क्योंकि विप्रधेनु सुरसंत के हित के लिए भगवान ने मनुष्य रूप में अवतार लिया और जो निज इच्छा अर्थात उन्होंने अपने शरीर का निर्माण स्वयं की इच्छा से किया है और वह सांसारिक मोह अर्थात तामसिक राजसिक और सात्विक तीनों गुणों से जो है परे है, अर्थात ब्रह्मा जी उन्हें नहीं बनाता, ब्रह्मा को वो बनाते, इस प्रकार से वो सदैव युवा रहते हैं सुकुमार सुकुमाल बने रहते हैं, ना कि उनके बूढ़ों की तरह मूछे आती है। आपने हमेशा भगवान श्री रामचंद्र जी को भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को ऐसे तस्वीरों में क्यों देखा है जहाँ उनके मूछे नहीं होती है, वो एकदम युवा की तरह दिखते हैं, या कई लोग तो उन्हें स्त्री की तरह दिखते हैं ये भी कहा जाता है, तो क्या उनमें हार्मोन्स नहीं होते, क्या उनमें हार्मोन्स को बाल नहीं होता कि वो उनके दाढ़ी मूछे और बड़े बड़े टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के नाम से उनके बड़े दाढ़ी मूछे नहीं आते, तो क्या मजाक है सबसे पहले तो आपने भी कभी सोचा है कि भगवान श्री कृष्ण के भगवान श्री रामचंद्र जी के भगवान विष्णु जी के श्री हरि के मूछे वाले तस्वीरें क्यों नहीं होती, सदैव वो जो है सुंदर सुकुमार की तरह जो है बिना दाढ़ी मूछों के ही जो है दिखते हैं, तो ऐसा क्यों है? मैंने तो बहुत सोचा है भाई, मैंने तर्क बहुत लगाया है और मुझे आज इसका उत्तर भी मिल चुका, तो आपको बताने वाला हूँ। इस प्रश्न के उत्तर से पहले सबसे पहले ये आदि पुरुष के बात करें, आदि पुरुष का ट्रेलर आ चुका है, हमने रिव्यू भी डाला है देख सकते हैं आप, तो आदि पुरुष में मस्कुलर एकदम बेजान शरीर वाला प्रभास का चेहरा जो कि बाहुबली से भी उनका चेहरा जो है उतर चुका है, उनके चेहरे से जो तेज बाहुबली में थी उतने भी नहीं है भाई, एकदम डल फेस है प्रभास का, सीरियस लुक है जो भगवान श्री रामचंद्र कहीं से भी सूट नहीं करता, इनको दुर्योधन भी बना दिया जाए तो भी ये कहीं से सूट नहीं करेंगे, उतना डल इनका चेहरा हो चुका है, सोचिए आप। तो प्रभास को मस्कुलर दिखाया जाता है, मूछों के साथ दिखाया जाता है, और सुंदर सुकुमार की बात तो छोड़िए, प्रौढ़ बूढ़ा टाइप का रुख भी रावण के लिए भी इनका लुक सूट नहीं करता, क्योंकि रावण भी तेजस्वी आदमी था भाई, ऐसा भी ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं था। तो आइए हम मुद्दे की बात करते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का जो तस्वीरों में सदैव वो जो सुंदर सुकुमार की तरह क्यों दिखते हैं, उनके मूछें क्यों नहीं होती? तो आप भी बोलेंगे क्या उनके टेस्टोस्टेरोन नहीं होते, क्या उनके मतलब उनके हार्मोन्स लेवल नहीं होते, क्या जो उनकी दाढ़ी मूछें नहीं आती एकदम स्त्रियों की तरह कैसे रहते? तो भाई सबसे पहली बात यह है कि हार्मोन्स की देन किसकी है, और ये जो क्रिएशन है दाढ़ी मूछों का और ये जो मानव जो शरीर निर्मित है किसके क्रिएशन है? ब्रह्मदेव का। तो ब्रह्मा जी द्वारा यह शरीर निर्माण किया जाता है, मानवों का सृष्टि रचयिता वही है, तो क्या भगवान और ब्रह्मा जी के रचयिता कौन है? स्वयं श्रीहरि हैं। श्रीहरि को ब्रह्मा जी नहीं बनाते, ब्रह्मा जी को ही जी श्रीहरि बनाते हैं, तो इस प्रकार से साथ उन पे जो है सांसारिक माया का सांसारिक जो प्रभाव है उम्र का वृद्धावस्था का इन सभी चीज़ों का भगवान पे कोई असर ही नहीं होता है। इस प्रकार से भगवान जब तक इस धरती पे अवतरित होते हैं, जब जब वो जो है अवतार लेते हैं, तब वो जीवन पर्यंत तक वो युवा बने रहते हैं, चिर युवा जिसे कहता है, जिसे जो सुंदर सुकुमार कहते हैं, उस प्रकार से वो जो है कमल नयन की भांति जो है पूरे धरती में जब तक वो रहते हैं तब तक वो युवा ही बने रहते हैं, या फिर आप कहें कि कुमार अवस्था में ही रहते हैं। तो अब आपको समझ में आया कि भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री राम सदैव बिना मूछों के ही होते हैं, क्यों? सुकुमार की तरह ही होते हैं, एकदम युवा अवस्था वाले, और ना कि वो एकदम मस्कुलर होते, क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के बारे में आप पढ़ेंगे भागवत में, कहीं भी आप पढ़ लीजिए, जहाँ आपको ये देखने को मिलेगा कि भगवान जब युद्ध करने जाते थे तो उनका शरीर युद्ध अवस्था के लिए जो है मस्कुलर हो जाता था, ताकतवर हो जाता था, और वहीं जब वो जो है अपनी लीलाएँ करते थे विचरते थे तब उनका सुंदर शरीर एकदम कोमल सुकुमार सुकोमल हो जाता था। इस प्रकार से भगवान जो है अपने आप को परिवर्तित करते रहते थे, लेकिन वो चिर युवा सदैव अपने अवतार के काल में कार्यकाल में बने ही रहते थे, और जीवन पर्यंत तक जब तक वो धरती पर रहते थे तब तक वो युवा ही बने रहे। तो आप किस कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कमेंट्स के जरूर बताइएगा। जय श्री राम, हर हर महादेव।